राजस्थान में मुख्यमंत्री पद को लेकर चल रहा सस्पेंस आखिरकार खत्म हो गया, जहां बीजेपी ने एक बार फिर सभी को चौंकाते हुए भजनलाल शर्मा के नाम पर मुहर लगा दी। सांगानेर से पहली बार चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचे और संघ के बेहदी करीबी हैं भजनलाल शर्मा। बताया जा रहा है कि बीजेपी प्रदेश मुख्यालय में भजनलाल शर्मा के नाम का प्रस्ताव पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने रखा, जिस पर सर्वसम्मति से सभी विधायकों ने उन्हें अपना नेता चुन लिया। इसके साथ ही भजनलाल शर्मा राजस्थान के 14वें मुख्यमंत्री बन गए, तो वहीं दिया कुमारी और प्रेमचंद्र बैरवा को डिप्टी सीएम बनाया गया है। इस ऐलान के साथ ही जहां सीएम और डिप्टी सीएम बनाए गए नेताओं के समर्थकों में खुशी की लहर है, तो वहीं सीएम पद की रेस में आगे चल रहे तिजारा से बीजेपी विधायक बाबा बालकनाथ योगी की उम्मीदों पर पानी फिर गया है। दरअसल हिंदूवादी छवि वाले नेता भगवाधारी बाबा बालकनाथ योगी की चर्चा काफी समय से हो रही थी। जब बीजेपी ने उन्हें चुनावी मैदान में उतारा तो इस बात को और बल मिल गया कि बीजेपी बाबा बालकनाथ योगी को भविष्य में कोई बड़ा पद दे सकती है। और जब बालकनाथ योगी ने तिजारा सीट पर कांग्रेस के उम्मीदवार इमरान खान को हराकर जबरदस्त जीत हासिल की, तो इसके बाद से ही हर जगह योगी योगी हो रहा था। और जिस तरह से बालकनाथ कभी जेपी नड्डा तो कभी बीजेपी के बड़े नेताओं से मुलाकात कर रहे थे, उसे देखते हुए तो माना जा रहा था कि बीजेपी यहाँ उत्तर प्रदेश की तर्ज पर भगवाधारी बाबा के हाथ ही प्रदेश की कमान सौंप सकती है। लेकिन विधायक दल की बैठक में जब भजनलाल शर्मा के नाम का ऐलान हुआ तो तमाम खबरों पर विराम लग गया, जिसके साथ ही बालकनाथ योगी के सीएम बनने की उम्मीद पूरी तरह से टूट चुकी है। अब पार्टी के इस कदम से योगी को कितना बुरा लगा ये तो पता नहीं, लेकिन तिजारा के विधायक बालकनाथ योगी के समर्थकों में असंतोष जरूर देखा जा रहा है, जिसे लेकर एक्स अकाउंट पर उन्होंने बीजेपी के फैसले पर निराशा जताई है। दरअसल बाबा बालकनाथ योगी ने बीजेपी के फैसले के बाद बयान दिया था, जिसे उन्होंने एक्स अकाउंट पर शेयर भी किया, जिस पर कई यूजर्स ने बाबा बालकनाथ योगी के समर्थन में ट्वीट किया है, जहां रवि कौशिक नाम के यूजर लिखते हैं, संतोषी सदा सुखी रहते हैं, जय हो बाबा बालकनाथ जी महाराज। वहीं गोविंद मीणा ने लिखा, आपको आगे बहुत मौके मिलेंगे, आप धैर्य रखिए गुरु जी, लेकिन हम सभी की बहुत इच्छा थी आपको सीएम बनते देखने की। इसी तरह से विक्रम आदित्य लिखते हैं, मैं खुद बहुत निराश हूँ, हमारे प्रिय बालकनाथ जी महाराज को सीएम बनाना चाहिए था। ऐसे ही मनोज संदेशा नाम के यूजर ने लिखा, हैशटैग माफ करना बालकनाथ जी। वहीं नितेश शुक्ला ने लिखा, ले बालकनाथ जी, चर्चे तो महफिलों में मेरे नाम के जोरों पर थे, ये अलग बात है महफिल आपने लूट ली। उन्हीं की तरह पन्ना लाल नाम के यूजर ने बाबा बालकनाथ के समर्थन में लिखा, त्याग और तप हमारे बाबा बालकनाथ के साथ है, जय बाबा बालकनाथ की जय। जहां एक तरफ कुछ यूजर्स ने बाबा बालकनाथ योगी के सीएम न बनने पर निराशा जताई है, तो वहीं कुछ यूजर्स ने बालकनाथ योगी को प्रदेश में बड़ी जिम्मेदारी दिए जाने की मांग भी की है। जहां विक्की जैन नाम के यूजर लिखते हैं, बाबा एज होम मिनिस्टर, यानी कि साफ है कि बाबा बालकनाथ योगी को सीएम न बनाने पर जहां उनके समर्थकों में गुस्सा और निराशा बनी हुई है, यानी कि साफ है कि बाबा बालकनाथ योगी को सीएम न बनाने पर जहां उनके समर्थकों में गुस्सा और निराशा है, तो वहीं कुछ यूजर्स बीजेपी से बाबा के लिए कोई पद तो जरूर चाहते हैं। ऐसे में बीजेपी बाबा के समर्थकों की मांग सुनती है या नहीं, ये देखना बेहद ही दिलचस्प होगा। बाकी आपका इस पर क्या कुछ कहना है हमें अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द इसे सब्सक्राइब कर लें।